एनाटॉमी से यूजीसी द्वारा, यूजीसी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बात और है, बहुत सारे विद्यार्थी वाईसीबी की तैयारी करते हैं, ठीक है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, ठीक है, जो क्याउसीआई के रूप में जाना जा रहा था किस टाइम, ठीक है, उसकी तैयारी करते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन होते हैं अपने अपने। अब वो क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, बट फिर भी वो क्वेश्चन पता नहीं कहां से कुछ भी विदाउट रेफरेंस या कहीं से भी किसी छोटी मोटी बुक से उठा करके बना देते हैं। नेट जीआरएफ का जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमेशा ही विद रेफरेंस बनते हैं, टू द पॉइंट बनते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं अच्छी पुस्तक से। तो हम यूजीसी ने जो पूछे उन पर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी से हमारा एग्जाम कब से हो रहा है, 2017 से हो रहा है, 17 जनवरी से, तब से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी तक 8 दिसंबर 2023 तक एग्जाम हो चुके हैं। तो ये इतने टाइम तक जितने भी एनाटॉमी के पीवाई क्वेश्चन हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी 2017 से सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर आपको चुटकियों में पता होंगे, चुटकियों में, बट उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा चर्चा करनी है, डिस्कशन एक्स्ट्रा करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम में क्या क्वेश्चन बनेगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पैनक्रियास इतनी बड़ी नहीं है, पैरोटिड नहीं है, एड्रिनल भी नहीं है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है। लीवर की बात करें तो एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, सुनीता शर्मा मैम, ठीक है। अब आपके लिए ये पॉइंट हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, आने वाले टाइम में ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो है, मान गए। तो ये पैदा क्या करता है ऐसा, सर लीवर जो है बाइल पैदा करता है, बाइल, ठीक है, बाइल, बाइल समझते हैं। तो बाइल ये जाता कहां है, सबसे फर्स्ट नंबर पर सर लीवर जो होता है किस प्रकार से होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो 3D एनिमेशन, 3D मतलब बायलोब, यानी कि बीच में कट लगा होता है, दो लोब होते हैं, बायलोब होता है, ठीक है, डबल लोब होता है, और एकमात्र लीवर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म शरीर में जिसको काटने पर ही अपने आप को ग्रो कर लेता है अच्छी स्थिति मिलने पर, ठीक है, कंडीशन अच्छी हो जाए तो अपने आप को स्टोर कर सही कर लेता है। इससे जो है बाइल आता है वो सीधा कहां स्टोर होता जाता है, आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, ब्लैडर का मतलब स्टोर हाउस होता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, यूरिन को स्टोर कर रहा है, गोल ब्लैडर है तो लीवर से निकलने वाले बाइल को स्टोर कर रहा है, और वहां से जो है कॉमन सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट लेकर के चलते हैं, कहां पर जाती है सर, ये पैनक्रियाज के साथ में मिलती है, पैनक्रियाज के साथ में, पैनक्रियाज के साथ में मिलकर के किस जगह पर अपना जूस डालेगी, पैनक्रियाज के साथ में मिल गई, ठीक है, तो क्या बनेगी, हिपेटो, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटिक और पैनक्रियाटिक दोनों की मिल गई। ये ग्लैंड कहां पर जाएगी, ये छोटी आंत के कौन से पार्ट में जाएगी, देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, एक एक हम हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को पकड़ना है और उसकी बाल की खाल निकालनी है, पूरा का पूरा उसको निचोड़ देना है क्वेश्चन को, तब हमारे पीवाई की उसकी तैयारी हो रही है। तो आपके दिमाग में सारी बातें घूमनी चाहिए, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ ली उनके दिमाग में पहले से आनी चाहिए। तो ये कहां पर जा रही है सर, ये छोटी आंत के कौन से पार्ट में, सर तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के, डी जे आई, डी बोले तो ड्यूडिनम, जे बोले तो जेजुनम, आई बोले तो इलियम, ठीक है। ड्यूडिनम के अंदर जाते थे लगभग, ड्यूडिनम जब निकलता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से जुड़ा होता है, ठीक है, वहां से आकर के 10 सेंटीमीटर आगे जो है इसमें एक छेद होता है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, छोटे से डक्ट अंदर चली जाती है जिसका नाम क्या होता है, एम्पुला ऑफ वेटर, इसको नाम क्या कहते हैं, इस छेद को एम्पुला ऑफ वेटर हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, वहां पर अपना जूस डाल देती है लीवर का। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज अगर डक्ट है पैनक्रियाज की बात है, तो पैनक्रियाज भी एक्सोक्राइन फंक्शन में आई, परंतु पैनक्रियाज सर एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन किस रूप में करती है, एक्सोक्राइन करने के लिए एसिनाइट सेल्स का सहारा लेती है, ग्रुप ऑफ एसिनाइट सेल्स का, एंडोक्राइन के रूप में ये आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस, आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस का सहारा लेती है। आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस में क्या क्या है, ए जी बिड्स फॉर पेन, ये ट्रिक है, ए बोले तो अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है, बी बोले तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, डी बोले तो डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, एफ सेल बोले तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता होता है। ये इनके सीक्वेंस हो गए सर, किससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है जो एसिनाई ग्रुप ऑफ सेल से निकल रहा है पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अपना लीवर ही है, हमने पैनक्रियाज को भी कर लिया, ठीक है, जो मेरे डायबिटीज होगी या नहीं होगी इस चीज को निर्धारित करेगी। कर्णमूल ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड आपने सुना होगा, पैरोटिड
सर ये किससे रिलेटेड है पैरोटिड? ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। बोले तो क्या पैदा करेगी? सलाइवा निकालेगी, सलाइवा निकालेगी। और सलाइवा कहां बनता है? सर मुख में बनता है, मुख में बनेगा। क्यों बनता है? सलाइवा में क्या होता है? पानी होता है। सर ये भोजन को, सलाइवा क्या करता है? जब भोजन को चबाते तो ये भोजन के अंदर चिपचिपापन लाता है, नरम कर देता है, ताकि हमारी इंटेस्टाइन या जो इसोफेगस है वो छिल ना जाए कहीं, है ना, वो छिल ना जाए हार्ड फूड से, तो उनको नरम कर देता है। और क्या करता है? भोजन में जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, उस स्टार्च को तोड़ता है, माल्टोज और डेक्सट्रिन में बनाता है, माल्टोज और डेक्सट्रिन में। तो इसलिए कहते हैं कि भोजन जो है हम जैसे ही मुख पर रखते हैं तो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, पेट में तो बाकी पचेगा पचेगा, मुंह से स्टार्ट हो जाता है पचना भोजन, ठीक है। तो मुंह से माल्टोज स्टार्ट हो गया, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। करणमूल ग्लैंड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड जो है, क्या ये एक ही है? अकेली नहीं है, इसके साथ में दो नाम और होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के साथ में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, मैंडिबुलर सब लिंगुअल होता है, तीन नाम होते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, ये कौन से टाइप की ग्लैंड है? एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, बताइएगा। ये तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड जो होती है एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब यह है कि इनके पास पाइप होगी, और इन पाइपों का सबके लिए नाम है कुछ ना कुछ। पैरोटिड ग्लैंड की पाइप है डॉक्टर शेफाली शर्मा मैम, नाम दे दीजिएगा, क्या हुआ? स्टेंसन्स डक्ट, नाम है पैरोटिड ग्लैंड का। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का नाम है वाल्टन डक्ट, एम को उल्टा कर दो वाल्टन डक्ट बन गया। सब लिंगुअल का क्या नाम है? डक्ट बार्थोलिन, बार्थन, ठीक है, स्पेलिंग तो ओके, बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये कहला रही है सब लिंगुअल। ओके, तीनों हो गई, इनसे जूस निकलता होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट का क्या नाम है? स्टेंसन्स डक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है शेफाली शर्मा मैम, आप हमेशा ही भूलते हैं, आपको याद नहीं रखता है। डक्ट ऑफ रेविनस आदि कहलाते होते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड के रूप में, ठीक है। ओके, वाटरन डक्ट के पास में मैंडुलर के पास हो गया, लिंगुअल के ऊपर, जीभ के ऊपर जो होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड आई, एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है? एड्रिनल क्या बना हुआ है? एड प्लस में रीनल, रीनल किसको बोलते हैं? रीनल सिस्टम हम किडनी वाले सिस्टम को बोलते हैं, किडनी वाले को, यूरिनरी सिस्टम को। तो ऐड हुई है किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी में ऐड हुई है, वो वाली ग्लैंड एड्रिनल है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड का स्थान पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जगह कहां पर है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में, तो एड्रिनल ग्लैंड का जगह कहां होगी? सर एड्रिनल ग्लैंड का जगह रीनल के पास होगी, यानी किडनी के जस्ट पास में होगी, अब कहीं भी हो। अब इसका दूसरा नाम, एड्रिनल का दूसरा नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुपरा रीनल, सुपरा रीनल। कल को एग्जामिनर सुपरा रीनल वर्ड दे देगा, ध्यान रखना है, सुपरा रीनल ग्लैंड है। यानी सुपर का मतलब ऊपर होता होता है, सुपीरियर जो ऊपर है, और रीनल मतलब किडनी के ऊपर, तो सुपरा रीनल मतलब किडनी के जो जस्ट ऊपर है, ठीक है, ये नाम भी हो गया। एड्रिनल से कैसे कैसे हार्मोन निकलते हैं? सर एड्रिनल से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, नॉर्मली स्ट्रेस इंक्रीज करने वाले हार्मोन निकलते हैं। ये हमें जो है फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है, 3F, 3F ग्लैंड के रूप में जाने जाती है, 3F के रूप में जाने जाती है, ये वर्ड हो गया। अब यहां पर हम इस एड्रिनल ग्लैंड को यहीं पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे आयुषी मैम, आगे चलते हुए धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे इससे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ हमारा? इस प्रश्न का उत्तर लीवर हो गया। तो इस प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट तक एक्सप्लेन करेंगे, तो सर कोई चीज बच नहीं पाएगी हमारी, लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आशा करता हूँ सारे कवर हो गए होंगे। अब इनको हम अरेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, अरेंज करना, इनको अरेंज करते हैं, सिर की साइड से लगेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक अरेंज करते हैं, कौन सी कैसे आएगी। तो देखो मुंह सबसे पहले होता है, यानी पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहले आनी चाहिए, पैरोटिड सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या होगा? पैनक्रियाज या लीवर। अगर मैं बात करूं लीवर और पैनक्रियाज में से, देखो लीवर की डक्ट आकर के पैनक्रियाज से मिलती है, यानी लीवर ऊपर से आ रहा है, तो लीवर को पहले रख सकते हैं, साइज के हिसाब से बड़ा है, ठीक है, हालांकि, और आगे पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज किस साइड में होता है शरीर के? पैनक्रियाज शरीर के लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट के नीचे। लीवर जो है हार्ट के अपोजिट साइड होता है, अपने राइट लंग के जस्ट नीचे, ठीक है, ओके, पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज से भी नीचे एड्रिनल ग्लैंड है, उस पर पाई जाएगी एड्रिनल ग्लैंड। तो अब इनकी ये सीक्वेंस बन गई शरीर में, कहां होगी? ये 3 नंबर, 3, और लीवर को हमने बोला है 2 नंबर, पैनक्रियाज अपनी 1 नंबर पर, एड्रिनल 4 नंबर पर। कल को पूछे कि अरेंज करो इसको, तो लीवर ऊपर माना जाएगा, लीवर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइल, ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया,
कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बिल्कुल इजी बात थी, हमने कवर कर लिया सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न आपके सामने, करिएगा इस प्रश्न को। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमें जस्ट और जस्ट क्वेश्चन को कवर नहीं करना है, चीजों को समझना भी है, एक्स्ट्रा चीजें जो है उनको हमें समझना है सर, ये इंपॉर्टेंट का है इसमें, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। तो मेन जो है टू पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में जो होता है, सेंटर में कौन कौन होता है, एक तो आपका ब्रेन होता है और ब्रेन की एक पूंछ होती है, ब्रेन की जस्ट पूंछ होती है, ठीक है, ब्रेन बोलते हैं वही रहेगा सेंटर में, और जस्ट पूंछ को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड हमने काम नाम दे दिया है, हालांकि कोई कहीं बुक में लिखा लगेगा मिलेगा नहीं कि ब्रेन की पूंछ है स्पाइनल कोड, बट ब्रेन का ही बड़ा हुआ हिस्सा है जो हमारे रीढ़ की हड्डी में आ जाता है स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड कहां से कहां तक होता है सर, सर्वाइकल से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे कहां तक जाएगा, योग बीज को याद करिए डॉक्टर मधुकर भारती साहब, कितनी मणियों में गुथा होना चाहिए, कितनी मणियों में गुथा हुआ होना चाहिए, ओके सर 21 मणियों में। 21 मणि का मतलब क्या है सर, सर्वाइकल कितनी होती है, सात होती है, C7, ठीक है, सात होगी, इसके बाद में T12, 12 और सात 19 होगी, और दो और चाहिए, मतलब L2 तक, लंबर लंबर टू तक का रीजन होता है, L2 तक का रीजन, वहां तक अपनी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ये हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का यही उत्तर है, ये याद रखना। योगी ने बताया था 21 मणियों में गुथी हुई है सुषुम्ना, ठीक है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड आजकल हम कहते हैं, ओके, और एनाटॉमी में इसको L2 तक जाती हुई बताते हैं, हो गया 21 मणियों में। अब बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद भी, कि सर ब्रेन से भी नर्व्स निकलती होती है, घूम दूर तक जाएगी, ठीक है, कुछ नर्व, और ये पेयर में निकलती है, पॉइंट क्या है, ग्रुप में निकलती होती है, अकेली नहीं निकलती है कि एक लेफ्ट साइड से निकल गया राइट साइड से, दोनों जगह से लेफ्ट और राइट जगह में बराबर मात्रा में निकलती है, इसलिए इनको पेयर में बोलते हैं। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर, कितनी, 12 जोड़ी, 12 पेयर, ठीक है। सेम ऐसे ही जो हमारी स्पाइन से निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, वो कितनी होगी सर, 31 होंगी या 33 होगी सर, 31, तो 33 वर्ड भी तो होता है इसके लिए, 31 होती है पेयर। नर्व्स की बात कर रहे हैं हम, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स की बात कर रहे हैं, ओके नर्व, तो ये तो फैले हुए होंगे, बीच में कौन थे, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि टू मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये आपके सेंटर में हो गए सर, सेंटर में, ठीक है, एक और दो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या क्या कर देते हैं कि कौन से नहीं है, ऐसा कर देते हैं, तो थोड़ा सा नोट और यस को आप देख लेंगे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिब्रास जो होती है बच्चों में वो 33 होती है वर्टिब्रास, बट नर्व जो होती है चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी हो, स्पाइन के अंदर वाली नर्व 31 पेयर ही मिलेगी, इससे कम या ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। 12 पेयर कहां मिलेगी, ब्रेन में, ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, क्रैनियल पार्ट नाम देते हैं, तो क्रैनियल नर्व के नाम से जाने जाते हैं, 12 पेयर जो है क्रैनियल नर्व और 31 पेयर जो है अपनी स्पाइनल नर्व जानी जाती है। इन नर्व्स में कुछ होती है आपकी सेंसरी, सेंसेस करती हैं, ठीक है, अंदर लेकर जाती है इंफॉर्मेशन, कुछ होती है आपकी आउट मोटर, मोटर नर्व्स होती है, ठीक है। सेम ऐसी 12 पेयर में होती है कि कुछ आपकी सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है, नर्व्स में, ब्रेन में, ठीक है, ओके। ये क्या करते थे, कुछ नर्व्स तो ऐसी हैं जो अपने आप काम करेंगी, कुछ अपने आप काम नहीं करेंगी, जो अपने आप काम करेंगी अपने आप वो है इनवॉलेंट्री पार्ट, इनवॉलेंट्री, ठीक है, और मेरी इच्छा से जो काम करेगी वो वॉलेंट्री हो गया, वॉलेंट्री, ठीक है। जैसे मैं आंख से देखना चाहता हूं लेफ्ट साइड में, तो कोई नर्व है जिसने मेरी हेल्प की है, ठीक है, आईज में, आईज की मूवमेंट में, तो वो वॉलेंट्री फंक्शन क्या होगा, ठीक है। कोई नर्व ऐसी भी है जो मेरी इनवॉलेंट्री फंक्शन से चल रही है, ठीक है, जैसे डाइजेशन अपने आप चल रहा है, इनवॉलेंट्री को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री को बोलते हैं सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक को यहां पर प्रॉपर वर्ड दिया गया, ऑटोनोमिक दिया गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS, है ना, PSNS, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। शब्द क्लियर है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ये दो शब्द जो है एक्स्ट्रा, इस पर हमने चर्चा कर ली है, ओके। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि सर ब्रेन से नीचे नर्व्स तो आ गई, स्पाइनल कोड चली गई, अब स्पाइनल कोड जो होती है वो
किस हिस्से में से निकल के आती है? ब्रेन के अंदर हड्डियां हैं, ब्रेन के अंदर कितनी हड्डियां हैं? ब्रेन को कवर करने वाली कितनी नर्व, कितनी हड्डियां हैं सर? ब्रेन को जो कवर करती है, कितनी हड्डियां हैं ऐसी ब्रेन को कवर करने वाली, यानी क्रैनियल बोन जिनको बोलते हैं, वो 8 बोन्स है सर, 8 बोन्स। ठीक है, 8 में से अब छेद होगा, जमीन पर नीचे जाएगा, पूंछ बढ़ेगा, पूंछ अपना वर्टिब्रा में जाएगा, वो किस बोन के अंदर से जाता है? कौन सी बोन है जिसके अंदर से वो छेद में से हमारे जो न्यूरो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकल के जाते थे, कौन सी बोन है? बोन का नाम बताइए। शेफाली शर्मा मैम, इसलिए मैं आपसे पूछता ही न्यू क्वेश्चन, हमेशा ही आपने गलत उत्तर देना होता है, हर बार आपने गलत उत्तर देना होता है। कुछ पढ़ लो ना आप, कुछ पढ़ते क्यों नहीं आप? क्लास में बस मूर्खता का प्रमाण देने आते हैं क्या शेफाली शर्मा मैम? बुद्धिमत्ता का प्रमाण दीजिए। ओके, ऑक्सीपिटल बोन है एक, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन के अंदर एक छेद होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड नीचे निकलती है। अब मेरा प्रश्न रेखा सैनी मैम, आपसे अधिक कोई समझ ही नहीं सकता ये प्रश्न मेरा क्या है कि ऑक्सीपिटल लोब से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो एरी पार्ट है, जो होल है, वहां से निकल गई स्पाइनल कॉर्ड, उस होल का क्या नाम है? ये मेरा प्रश्न है एक्चुअल में। रेखा सैनी मैम, प्रश्न समझ गए तो उत्तर क्यों नहीं देते आप? सर मैं प्रश्न समझ गई हूं पर उत्तर नहीं पता, क्यों नहीं पता रेखा सैनी मैम? कौन पता करेगा? कुछ भी लिखे जा रहे हैं आदमी। आयुषी मैम, डॉक्टर जैन इमरानी मैम, डॉक्टर मधुकर भारती साहब, आप भी उत्तर दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ओके, मधुकर भारती साहब को कोई रोकेगा नहीं उत्तर देने से, ओके, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। डॉक्टर मधुकर भारती साहब, कौन सा पार्ट है जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाएगी? आयुषी मैम, कुछ पता नहीं है या पता है, कुछ भी लिखे जा रहे हैं आप। फोरामेन मैग्नम, वर्ड सुना है क्या? ओके, तो ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जगह होती है जहां से जो है हमारा क्या होता है सर, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो जो पूंछ है ब्रेन का, वो नीचे की तरफ जाता होता है। ठीक है, वो जगह है। ओके सर, ये बात होगी। आगे नर्व 12 कौन से, उसके लिए हमारा क्वेश्चन आएगा, तो हम वहां पर 12 नर्व्स पर चर्चा करने वाले आगे जाकर के। सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक पर हमें पता चला, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पता लगा। आगे स्ट्रेस हॉर्मोन कौन से हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, स्ट्रेस हॉर्मोन कौन से हैं? ठीक है, तो मैंने अभी अभी अपना पीछे क्वेश्चन गया था, उस क्वेश्चन को हमने देखा कि सर स्ट्रेस हार्मोन निकालने वाली ग्लैंड का नाम ही क्या है। स्ट्रेस हार्मोन ग्लैंड जो है सर, हम नाम दे देते हैं एक तरह से एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल को हमने तवज्जो दे रखी है कि ये स्ट्रेस में बड़ी काम आती है, स्ट्रेस में। जैसे स्ट्रेस होता है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज सर शरीर में है तो ठीक बात है, नहीं है तो फिर वो उसको बनाया जाता है, और बनाने के लिए क्या करेंगे सर, हमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन, यानी कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ऐसे हार्मोन लाने पड़ेंगे जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा बने, ग्लूकोज बने, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, ग्लूकोज बनाना है सर, फॉर्मेशन। तो स्ट्रेस में ग्लूकोज ज्यादा बनता है, तो इसका मतलब स्ट्रेस होने से ये हार्मोन निकलेंगे, ये हार्मोन निकलेंगे तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, मतलब स्ट्रेस से क्या होता है डॉक्टर गोगावट सर, डायबिटीज हो सकता है, उसका खतरा हो गया ना, स्ट्रेस होगा तो लंबे टाइम तक, तो इसलिए कहते हैं डायबिटीज से स्ट्रेस जनित रोग है। ओके, तो यहां पर देखो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन से, एपिनेफ्रिन है, कोर्टिसोल है, दोनों के दोनों अपने क्या हो गए, स्ट्रेस हार्मोन हो गए, स्ट्रेस हार्मोन हो गए, कोर्टिसोल भी एपिनेफ्रिन भी। तो पॉइंट पर आते हैं फिर से, तो कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन दोनों स्ट्रेस हार्मोन हो गए, करेंगे क्या, कहां से निकल रहे, पहले तो ये बात कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है, प्रोलैक्टिन दूध मिल्क से बात होगी, मिल्क प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन कहां से निकलेगा, कौन सी ग्लैंड है जो प्रोलैक्टिन पैदा करेगी, प्रोलैक्टिन पैदा करेगी, प्रोलैक्टिन ग्लैंड है क्या कोई सर, एक ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। अब प्रश्न क्या हुआ जेन इब्राहिम मैम, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन तो निकाल दिया, अब वो निकाला किस पार्ट से, आगे से यानी एंटीरियर पार्ट से या पिछले वाले पार्ट से? मिल्क के लिए दो हार्मोन है, एक है प्रोलैक्टिन, एक है ऑक्सीटोसिन, शब्द याद रखेंगे, देखो कैसे याद रखना होता है इनको, ऑक्सीटोसिन, 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 ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है, इजेक्ट शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है, बच्चे के लिए। और प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क को क्या करता है,
पैदा करता है, प्रो मींस प्रोड्यूस करता है। अब देखो ए शब्द किस में आया, ऑक्सीटोसिन में या प्रोलैक्टिन में? ए शब्द प्रोलैक्टिन में आया, ए से क्या हो गया एंटीरियर, प्रोलैक्टिन एंटीरियर से। ऑक्सीटोसिन में ए है ही नहीं तो ये पीछे की बात है, ठीक है ए है ही, समझ में आ गई बात? तो ये बाद की बात है, यानी पीछे वाले पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ग्लूकागन कहां से निकलता है? ग्लूकागन सर हमारी एक ग्लैंड है पेनक्रियाज, वहां से निकल रहा है। पेनक्रियाज में एक भी कहां से निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस। आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस में से भी कौन सा ग्रुप है? अल्फा बीटा डेल्टा। ए से ग्लूकागन निकलता है, अभी हमने पीछे बात की ग्लूकागन। बीटा सेल से क्या निकलता है? बीटा से इंसुलिन निकलता है। डेल्टा से सर सोमेटोस्टेटिन निकलता होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा कि ग्लूकेगोन तो पेनक्रियाज का हो गया, तो ये तो सर हमारे स्ट्रेस हार्मोन नहीं है दोनों के दोनों, ये एक्स्ट्रा बात तो हमने कर ली। ग्लूकेगोन का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन करेगा ग्लूकेगोन? प्रोलैक्टिन ने तो दूध बनाया, दूध पैदा किया, ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लूकेगोन सर जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन उसको ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में, यानी कि ये डायबिटीज करता है। ग्लूकेगोन क्या करता है? हमारा डायबिटीज बढ़ाता है एक तरह से, ये कह सकते हैं, है ना? ये वर्डिंग हो सकती है किसी भी, अगर कोई करना चाहे ऐसी वर्डिंग, तो ग्लूकागन जो है एक तरह से हमारा डायबिटीज बढ़ा रहा है, इंसुलिन हमारा डायबिटीज को ठीक कर रहा है, ऐसे ही होगा ना मतलब? ओके, एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल। अब इस पर बात करते हैं, हम ग्लैंड बनाते हैं एड्रिनल, किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर में इस प्रकार से त्रिकोणाकार ग्लैंड और रहती होती है, त्रिकोणाकार। तो त्रिकोणाकार ग्लैंड को मैं बना लेता हूं यहां पर, त्रिकोणाकार, इस प्रकार से ग्लैंड होती है त्रिकोणाकार। इस त्रिकोणाकार ग्लैंड में सर क्या होता है? एक तो सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक है सबसे अंदर का, और कुछ इसके बाहर के तीन पार्ट होते थे, बाहर के, ठीक है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट, ठीक है, उसका नाम क्या देंगे? सबसे आउटर पार्ट। अब जगह हो गई, एड्रिनल ग्लैंड बना रहे हैं हम, पिक्चर एड्रिनल ग्लैंड की है ये, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी उसके एरिया को हम बना रहे हैं, उसकी जगह को बना रहे हैं, कैसे दिखती है एड्रिनल ग्लैंड? ये दूसरी लेयर होगी एड्रिनल ग्लैंड की, सेम ऐसे इसमें एक तीसरी थर्ड लेयर होती है अंदर की साइड में, एड्रिनल ग्लैंड में ये तीन लेयर होती है, तीन लेयर। एक जीएफआर वर्ड हम यूज करते हैं, जीएफआर, ठीक है, जीएफआर कह करके हम जीएफआर ऐसे इसको नाम दे देंगे। पहला पार्ट क्या है? जी, दूसरा एफ और तीसरा आर, जीएफआर। जीएफआर पहले पार्ट का नाम हुआ, बाहर से चल रहे जोना ग्लो मैरुलोसा, नाम क्या दिया यहां पर लिख देता हूं, ग्लो मैरुलोसा, ग्लो मैरुलोसा। एफ से फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा ये एरिया का नाम है। आर से रेटिकुलरिस, ठीक है ओके। जो ना ग्लोमेरुलोसा जो है यानी आउटर पार्ट है, ग्लोमेरुलोसा यानी ग्लूकोज जैसी सेंस दे रहा है ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा क्या करता था है? मिनरेलो कोर्टिकोइड रिलीज करता है, क्या रिलीज किया? मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड। इसके अंतर्गत कौन सा हार्मोन आता है? मिनरेलो कोर्टिकोइड में कौन सा हार्मोन आता है, नाम बताइए? एल्डोस्टीरोन। क्या नाम आया? एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन क्या करेगा सर? एल्डोस्टीरोन जब निकलता है नॉर्मली हमारा, जब एडीएच, एडीएच निकलता है, एडीएच कौन निकलता है? एल्डोस्टीरोन अलग है जेन इब्रानी मैम, एडीएच अलग है। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम? वैसोप्रेसिन। ये पिट्यूटरी निकालती है, वो हार्मोन निकलेगा, वो यूरिन को कम करने जा रहा है। यूरिन को कम कैसे करेगा? किडनी से, क्या किडनी को पता लग गया कि जो हमारा पानी है वो ज्यादा कम है शरीर में, तो शरीर से क्या निकला? एल्डोस्टीरोन निकला किडनी से, है ना? किडनी बोले तो एक तरह से अपने एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन कब निकला? इसके पास में एडीएच आया, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, वेसल्स को प्रेस कर देगा ताकि पानी कम निकले, उनको दबा देगा, ठीक है, कम कर देगा। ओके, तो ये अपना जीवन बचाया एल्डोस्टीरोन ने। फैसिकुलेटा होता है, फैसिकुलेटा, ये फैसिकुलेटा से क्या निकलता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड, नाम क्या दिया उनका? ग्लूको कोर्टिकोइड, बदले तो ग्लूकोज जो बना देंगे ऐसे वाले, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं ये। कौन कौन से हो गए? जैसे कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, कोर्टिकोस्टोरिन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्टिसोल है, इसका ही नाम आपको हमेशा मिलेगा, कोर्टिकोस्टोरिन।
कोर्टिसोल का, इसका ये ग्लूकोज बना देगा। कैसे बनाएगा? कोर्टिसोल जैसे निकलेगा तो ये जाएगा ग्लाइकोजन, तो टूट रही है ग्लूकोज में, सर प्रोटीन को भी तोड़वा देगा। किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन ग्लूकोज में टूटना इज नोन एज क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई चीजों से ग्लूकोज बना। फैट को भी तोड़ देगा, लिपिड्स को तोड़ देगा ग्लूकोज में, यानी लिपोलाइसिस करवा देगा। प्रोटीन को तोड़ेगा तो प्रोटियोलाइसिस करवा देगा, और प्रोटीन और फैट दोनों को तोड़कर यानी प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस करके ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करवाता है, जिससे ग्लूकोज के लेवल बढ़ता है और हम हाफ जब डर आदि लग रहा है या हमें भागना है तो तेजी से भाग पड़ते हैं। यानी कि जीवन में कभी कभी नॉर्मल स्थिति में हम वो काम नहीं कर पाते हैं, परंतु एकदम से कुछ डर आ गया, खतरा आ गया, तो हम वो काम कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम नहीं भाग पाते हैं, हम 8 फीट ऊंची दीवार नहीं कूद पाएंगे सामान्य रूप से, रुचि त्रिपाठी मैम, है ना, नहीं कूद पाएंगे। परंतु जैसे ही अगर खतरा या शेर आदि भालू आदि आ जाए तो 8 फुट या शायद 10 फीट ऊंची दीवार भी कूद जाए, तो वो कोर्टिसोल का ही प्रभाव है सर, ठीक है। इसी के प्रभाव से इतनी एनर्जी आ जाती है, एकदम से हम सब कुछ कर जाते हैं। एक कुत्ता नॉर्मली होता है वो डरता है मनुष्य से, परंतु वही जो कुत्ता है मतलब फीमेल डॉग है, ठीक है, तो वो अगर बच्चे दे देती है अपने, ठीक है, और उस बच्चों को बचाने के लिए वो फिर ह्यूमन बीइंग से लड़ जाती है, तो उसको खाने पर उतारू हो जाती है। क्यों? कोर्टिसोल लेवल अप हो गया सर उसके लिए, ठीक है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है सर उस कंडीशन में। नॉर्मली माँ कुछ नहीं कहती है, परंतु जब बच्चे की बारी आती है तो दिक्कत हो जाती है। सेम ऐसे रेटिकुलर से अंदर का हार्मोन है रेटिकुलरिस, ठीक है। रेटिकुलर से क्या निकलते होते हैं? रेटिकुलरिस से सर गोनेडो कोर्टिकोइड, नाम क्या दिया हॉर्मोन का? गोनेडो कोर्टिकोइड, गोनेडो कोर्टिकोइड। गोनेड्स बोले तो जनन ग्रंथियों से संबंधित हार्मोन, जनन ग्रंथि से हार्मोन एंड्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन भी हमारे गोनेडोकोर्टिकोइड से निकलते होते हैं। जब तक हम जवान नहीं होते तब तक, यानी हमारे बचपन में सारे हार्मोन यहां से निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो अंदर क्या है? मेडुला। मेडुला हमेशा ही अंदर मिलता होता है, मेडुला हमेशा अंदर मिलता होता है, मेडुला मिड पार्ट। अब मेडुला से बताओ क्या निकलेगा? बहुत ही प्यारे से हार्मोन निकलेगा मेडुला से। मेडुला से बताओ क्या निकलेगा? मेडुला एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, क्या निकला? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन कहां से निकले? हमारे मेडुला पार्ट से निकले, मेडुला पार्ट से। क्लियर है जी? और तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है, डन। रेखा सैनी मैम, आयुषी मैम और डोपामिन, ये हमारे हार्मोन निकले एड्रेनल ग्लैंड से। तो एड्रेनल ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन कैसे कैसे निकल रहा है, आशा करता हूं समझे होंगे आप लोग पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि वही बातें हमने रिपीट किया, कुछ नया नहीं किया है, वही चीजें हमने की है जो पहले की हुई है वही सारी चीजें। तो इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर था स्ट्रेस हार्मोन कौन से? एपिनेफ्रिन। यानी कि एड्रेनल ग्लैंड से जो भी निकलेगा वो सारे स्ट्रेस हार्मोन है, या तो फाइट में निकल रहे हैं स्ट्रेस हो रहा है, या फ्लाइट भागना पड़ रहा है तब निकल रहे हैं, 8 फुट ऊंची दीवार कूदनी है तब, या फिर हमें फ्राइट डर लग गया सर और बहुत डरे बैठे कंबल आदि ओढ़ करके, जैसे एक रात में कहानी सुनाना छोटे बच्चे को, है ना, भूत की कहानी सुनाना कि वो बेड के नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे बच्चे की कितनी भी गर्मी लग रही है फिर भी वो ऊपर अपने कंबल आदि लपेट करके, रजाई आदि लपेट करके सो जाए, जैसे इसके अंदर आएगा ही नहीं, उस टाइम भी उसको परेशानी नहीं होती है, ठीक है। यानी फ्राइट में आपको सेफ रखता है, वो पसीना नहीं आता नॉर्मली, नहीं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, है ना। अदरवाइज भूत की जब बात सुनी तो पसीना भी सर भाग जाता है एकदम से, ठीक है। यानी कि बढ़िया से बढ़िया कंबल भी डाल देंगे ऊपर तो भी ऐसे सिक्योरिटी फील होती है, पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती फिर। तो इस प्रश्न का 3 और 2, 2 और 3 जहां भी उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आगे, ये रहा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, यूज द कोड बिलो, इस कोड को यूज करिए। तो करें क्या सर? सर चेक करते हैं, शुरू से लगते हैं। सबसे पहले होता है नोज, नोज के बाद में अंदर जैसे जाते हैं नेजल, कौन सा आता है उसको मैं मिस कर देता हूं यहां पर, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स से पहले कौन सा आएगा? नेजो फेरिंग्स आएगा, नेजो फेरिंग्स, ठीक है। फिर ओरो फेरिंग्स आता होता है जहां पर सूत्रनिति आदि डलती होती है, ओरो फेरिंग्स। फिर आता है लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट आ गए, ठीक है। इसके बाद में लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन लगा रहता आता है, एक तरह से यहां पर एक एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस ढक्कन के रूप में होता है, जो क्या करता है? पानी हमारे फेफड़ों में नहीं जाने देता,
ठीक है, फेफड़ों में पानी नहीं जाएगा, यानी फूड आइटम जो है हार्ड मटेरियल है या लिक्विड है उसको फेफड़ों में नहीं जाने देगा, सॉफ्ट जो एयरी पार्ट है हवा उसको ही जाने देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ये नॉर्मली बंद रखता है हमेशा ही हमारे फूड वाले सिस्टम को, यानी इसोफेगस को बंद रखता है, परंतु ये इसोफेगस को तो बंद रखेगा, एयर वाले पार्ट को खोल के रखता है, यानी ट्रैकिया में जाने देता है हवा। ट्रैकिया आगे क्या आया, ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद में ट्रैकिया दो भागों में बंटती है, क्या कहती है, ब्रोंकस, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस के बाद में क्या होता है सर, ब्रोंकाइज बन जाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकस से ब्रोंकाइज बन जाते हैं, ब्रोंकाइज से आगे छोटे छोटे श्रृंखला में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी ओल्स। डॉक्टर गोगावट सर एक ट्रिक बताता हूं यहां पर, ओल्स वर्ड जब भी लगेगा, ओल्स समझ लेना वो छोटी चीज हो गई पहले वाली से, ठीक है। जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकाई ओलस, OLES, ओल्स लग गया, ठीक है। आर्टरी है, आर्टरी ओल लग गया, शब्द क्या आया, रिया जोशी मैम, आर्टरी और आर्टरी ओल, तो इन दोनों में से पहला और दूसरा, छोटा और बड़ा कौन सा है बताओ, छोटा कौन सा है, सब इन दोनों में से छोटा कौन होगा, एक और दो में से। यहां पर फोटो मैंने लिखी है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर्टरी ओल्स और आर्टरी, ठीक है, इन दोनों में से छोटा डेफिनेटली कौन होगा सर, आर्टरी ओल्स, ओल्स छोटा हो जाता है ना, ओ एल एस, सेम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ओल्स जितना अंदर जा रहे हैं हमारे लंग्स में उतनी चीजें सूक्ष्म होती है। ब्रोंकियोल्स के बाद में लास्ट में क्या मिलता है हमें सर, लास्ट में एल्वियोलाई मिलता है, एल्वियोलाई मिलता है, और सारे एल्वियोलाइज कहां पर रखते होते हैं सर, लंग्स के अंदर आ जाते हैं, लंग्स। अब लंग्स बड़ा है बेशक, बट लंग्स को सबसे लास्ट में रखते होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है श्रृंखला। अब देखो इसमें जो चाहते हैं अरेंज करते हैं, तो ट्रैकिया कहां पर आया सबसे पहले आया, दो नंबर पर ट्रैकिया आ गया, एल्वियोलाई 4 नंबर पर आ रहे सर, ब्रोंकाई जो 3 नंबर पर आ गया, ब्रोंकियोल्स जो है सबसे छोटा हो जाएगा 1 नंबर पर, 2 3 1 4, 2 3 1 4 जहां पर भी ये राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। रमाकांत कश्यप जी आपको प्रश्न समझ में आया क्या, मैं गलत तो नहीं हूं कहीं पर, ओके। तो दो उत्तर कैसे दिया आप लोगों ने, कुछ सोच समझ के दिया क्या, या मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूं। आयुषी मैम अच्छा 4 उत्तर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, क्लियर है, थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, तो लंग्स के बारे में बात हुई, अब मुझे ये बात करनी है लंग्स जो होते हैं, लंग्स कौन सी कैविटी में रहते हैं, लंग्स जो है कैविटी कौन सी होती है लंग्स वाली, कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्थान, कौन से खाली स्थान में रहते हैं, शरीर में खाली स्थान है और वो सारी खाली जगहें भरी हुई हैं, भरी हुई हैं, कौन सी खाली जगह होती है लंग्स जो रहता होता है, थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी, शरीर में दो जगह होती है ना, एक तो छाती वाली जगह होती है, ठीक है, और एक नीचे पेट वाली जगह होती है, स्टमक वाली जगह होती है, ठीक है, ठीक है, सारी सारी इसको थोरेसिक बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, क्योंकि छाती थोरेसिक के आसपास होती है कैविटी, ठीक है। नीचे वाली को एब्डोमिनल बोल देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, पेट आदि आ जाएगी नीचे वाले। ऊपर थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आता है, लंग्स आते हैं, आपसे कॉमन सेंस में बात पूछी जा सकती है, लंग्स आते हैं, ठीक है, ऊपर में लंग्स आते हैं, और लंग्स के साथ में क्या आता है, हार्ट आता होता है, हार्ट। तो इसका मतलब ऊपर थोरेसिक कैविटी में भी दो कैविटीज है, दो कैविटी है ऊपर वाले में, एक कौन सी है, हार्ट की कैविटी है, हार्ट वाली कैविटी को क्या कहते हैं, मीडिया स्टाइनम, मीडिया स्टाइनम, ठीक है, ओके। लंग्स वाली कैविटी को क्या बोलेंगे, लंग्स वाली कैविटी को क्या बोलेंगे, लंग्स वाली कैविटी को क्या बोलेंगे, फिर प्रश्न क्या बना रेखा सैनी मैम, लंग्स वाली, लंग्स जो होता है एक प्लूरा होता है लिक्विड, उससे कवर रहते होते हैं लंग्स पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे करके लंग्स कवर रहते होते हैं, प्लूरल कैविटी, क्या बोला, प्लूरा, PLEURL, प्लूरल कैविटी के रूप में जानी जाती है, यानी फुफ्फुसीय क्या खाली जगह, रिक्तिकाएं या जो भी वर्ड यूज करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, ये होता है। अब सर लंग्स क्या करते हैं, हमारा लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स में एल्विओलाई है, एल्विओलाई, एल्विओलाई उनका काम है शरीर में ऑक्सीजन ले लेना और CO2 वापिस दे देना, इस तरीके से शरीर हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो यहां पर अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे कि जी ऐसी कौन सी चीज है शरीर में, वेन्स या आर्टरी, वेन्स या आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बताओ, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ शरीर में कौन सी चीज है, आर्टरी या वेन, जिसमें हमारा प्योर ब्लड होता है,
तो हम ये कहते हैं आर्टरी, ए से A1 खून होता है, ठीक है, यानी शुद्ध खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में होता है, वेन्स में यानी कि इसका उल्टा विपरीत कौन सा CO2 वाला खून होता है। सामान्य रूप से हमारी यही कथन रहता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, ठीक है, परंतु मात्र और मात्र एक जगह है हमारे शरीर में जहां पर ये कथन अपोजिट हो जाता है, ये कथन गलत हो जाता है, कहां पर, लंग्स में आकर के, लंग्स में, लंग्स के अंदर पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन जो होता है वो क्या करती है, O2 वाला ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी PA वो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। सर अब ये कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअल में आर्टरी की परिभाषा क्या है, अवे, आर्टरी फॉर अवे, अवे अवे, हर्ट से अगर दूर खून लेकर जाइए उसको कहते हैं हम आर्टरी। हर्ट से कौन खून लेके जा रहा है दूर, सर हर्ट से जो है हमारी अरोटा या आर्टरी सारी खून दूर लेके जा रही है, तो उस टाइम तो वो शुद्ध खून लेके जाती है, कहां से लेकर जाती है नॉर्मली आर्टरीज, नॉर्मली शरीर में जो खून जाता होता है वो खून किस आर्टरी से जाता होता है, सर अरोटा से होता है, पूरे शरीर में जाता है, ठीक है, तो वो जो है O2 वाला खून ही भेजेगी शरीर में। अब सर एक टाइम ऐसा होता है, ये तो भेजा गया फोर पार्ट से, फोर बोल तो लेफ्ट वेंट्रिकल से भेजा गया, ठीक है, आर्टरीज में। अब सर राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल भी जो है वो भी खून को दूर भेजता है हार्ट से, पर वो भेजता कहां है, लंग्स में भेजता है, तो इसलिए वहां पर आर्टरी अवे खून लेके जा रही है हार्ट से, बट वो पल्मोनरी है लंग्स में लेके जा रही है, तो उसमें CO2 है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार आता है, ये ध्यान रखेंगे, इम्प्योर ब्लड, CO2 के बेस पर हम इम्प्योर बोलते हैं, प्योर और इम्प्योर हम आवश्यकता अनुसार डिवाइड कर लेते हैं कि प्योर कब होगा इम्प्योर कब होगा। ऑक्सीजन है उसमें, ठीक है, तो प्योर है यानी ऑक्सीजनेटेड है, और इम्प्योर बोले तो CO2 ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको इम्प्योर संज्ञा दे देते हैं। जी नहीं प्राणी, शब्द क्लियर है, तो मैं वापस आता हूं पॉइंट पर, तो ये पॉइंट अपना उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, राइट है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बहुत ही प्यारा समझदारी भरा प्रश्न, माननीय गोगावट सर प्रश्न आपके लिए है, केवल आप ही कर पाएंगे इसका उत्तर, बाकी शायद विद्यार्थी नहीं दे पाए इसका उत्तर। ओके, तो सबसे आप उत्तर दीजिए, मैं एक्स्ट्रा बातें करता हूं, है ना। ओके, तो यहां पर डॉक्टर जे नेमराणी मैम पॉइंट पर बात करते हैं, बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। 206 कैसे हुई सर, 206 का मतलब यह है कि एक हमारा एक्सियल सिस्टम होता है, एक हमारा अपेंडिकुलर, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब हुआ सर स्पेलिंग लंबी है तो लॉन्ग लॉन्ग सी बोन्स है, दूर दूर वाली बोन इसमें मिलेंगी, लगभग लॉन्ग मतलब दूर दूर की बोन, एक्सिस बोले तो एक्सिस केनार बिल्कुल सेंटर का, ठीक है, एक्सियल वो वाला इसमें मिलेगा, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की बोन्स, ये समझ लो एक्सियल में, एक्सी का मतलब 80 और बाकी रिमेनिंग जितनी भी है 126 ये सारी अपेंडिकुलर में मिलेंगी, 80 बोन जो होती है हमारे एक्सियल में मिल गई हमें बीच के हिस्से में। तो अब आपसे प्रश्न है कि सर एक पेक्टोरल गर्डल होता है या पेल्विक गर्डल होता है, वो कहां पर आता होता है, पेक्टोरल या पेल्विक गर्डल वो किस में आता है, वो अपेंडिकुलर में आता है, यानी अपेंडिकुलर में ही पेक्टोरल और पेल्विक आता होता है, पेल्विक, पेक्टोरल में कौन सा आता होता है सर, ऊपर के कंधों वाला, लेफ्ट और राइट साइड में दो दो बोन होने के कारण 4 बोन हो जाती है, कौन कौन सी, क्लेविकल और स्कैपुला। पेल्विक में कौन सी थे, हिप बोन होती है, लेफ्ट में हिप बोन होती है, राइट में तो एक और एक दो हो जाती होती है, और हिप बोन के अंदर, हिप बोन को हम क्या बोलते हैं, शेफाली शर्मा मैम शब्द आपके लिए, हिप बोन को ही क्या बोलते हैं, ओ ओ श्री कृपाल जी, हिप बोन को हम क्या बोलते हैं, कोक्सल बोन बोलते हैं, कोक्सल, कोक्सल बोन बोलते हैं, ठीक है, कोक्सल मोल बनते होते हैं, हिप बोन को कोक्सल बोन, ओके डन है। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि लॉन्ग शॉर्ट आदि कौन सी होती है, लॉन्ग जो होती है हमारे हाथों में और पैरों में लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन आर्म्स और लेग्स में लॉन्ग बोन होती होती है, शॉर्ट बोन कहां पर होती है, छोटी छोटी बोन जिसको हम कहां बोलते हैं सर, छोटी बोन रिस्ट में होती है, जिसको हम कार्पल्स नाम देते हैं, कार्पल्स, कार्पल्स कितने होते हैं, 8 बोन होती है सर, एक हाथ में 8 और 8 16 हो जाती है दोनों हाथों में, टार्सल पैरों में होते होते हैं, सेम ऐसे ही नेक्स्ट फ्लैट बोन या इररेगुलर बोन, इररेगुलर जिसकी कोई रियल में शेप नहीं है, वर्टिब्रास इररेगुलर में आती होती है, और फ्लैट बोन होते हैं चपटी बोन्स होते हैं, स्टर्नम और स्कैपुला ये आ जाती होती है हमारी, स्टर्नम कौन सी बोन है, जहां से पीछे से थोरेसिक से हमारी रिब्स निकलती है और रिब्स आगे आकर के
भाग से मिलती हैं उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। आगे आकर के शेफाली शर्मा मैम, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है बार बार, स्टर्नम से जहां मिलती है, तो एक का सी होगा सर, एक का सी यानी सी नहीं है वो उत्तर नहीं होगा। आगे तीन का क्या होना चाहिए, तीन का सर बी होगा, वही उत्तर होगा। मतलब क्या नहीं होगा, तीन वाला उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, एलिमिनेशन एग्जाम में इजिली हो जाएगा इस तरीके से। डन, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, अब आपके प्रश्न देखो वही चीजें रिपीट होंगी बार बार। विच हॉर्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देगा सर, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, तीनों थ्री एफ के नाम से कौन सी ग्लैंड प्रसिद्ध हुई? सर थ्री एफ के नाम से एड्रिनल ग्लैंड को हमने तवज्जो दे दी, सॉरी सॉरी। अब एड्रिनल क्या निकलती है, एड्रिनालिन मोले तो एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, नोर का मतलब ये कि वो थोड़ा कम निकलता है ठीक है, कम निकलता है, तो इन दोनों में से दर्जा देना है तो एड्रेनलिन को दर्जा दिया जाएगा सर, सबसे ज्यादा ये निकलता है एड्रेनलिन ठीक है, एड्रेनलिन। हालांकि दोनों ही है फाइट फ्लाइट के लिए जिम्मेदार, बट ज्यादा कौन सा निकला सर, एड्रेनलिन, तो ए वन इसको हमने ज्यादा दे दिया, एपिनेफ्रिन इसको हम ज्यादा कहते होते एपिनेफ्रिन पर आ रहे हैं। मेन क्या था, एड्रेनलिन हार्मोन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन भी है, फाइट और फ्लाइट में मेजर रोल किसका है, एड्रेनलिन का। अब बाकी पर चर्चा करते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो शब्द है, ग्रोथ हार्मोन ये कहां से निकलता था, ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता होता है, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के कहां से निकलता है, शिक्रवार जी, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलता है, एंटीरियर पार्ट से। ग्लूकेगोन की बात करें, ग्लूकेगोन कहां से निकलता है, अभी बात की पेनक्रियास की, पेनक्रियास की कहां से, अल्फा सेल से, अल्फा से ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन ठीक है, ग्लूकेगोन से निकलता होता है। ओके सर, पॉइंट क्लियर अपना, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी। आगे चलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रोथ हार्मोन को रोक दिया जाए, जी एच आई एच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, आर एच, जी एच आर एच या जी एच आई एच, ये दोनों कौन रिलीज करवाएगा बताओ, कौन करेगा? इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना और रिलीजिंग का मतलब होता है शुरू करवाना ठीक है, रिलीज करवाना। यानी पिट्यूटरी का भी कोई माई बाप है जो उसको कहेगा बेटा करो है ना, ये काम करो या ये ना करो ठीक है। यानी कि पिट्यूटरी एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाना जाता, उसको उसके पिताजी कहते हैं बेटा जाओ स्कूल, तब वो स्कूल में जाता है, होमवर्क करो बेटा, तब होमवर्क करती है वो पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, नो डाउट। पिट्यूटरी क्या है डॉक्टर गोगावट सर, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथी है ठीक है, मास्टर ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसका भी मास्टर है, इसका भी माई बाप है, कौन है सर, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस वो कहता है पिट्यूटरी रुक जाओ, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिशन रोकने के लिए, आई एच लगेगा तो रोकना, रोकने के लिए, और वो कहता है कि पिट्यूटरी शुरू हो जाओ, रिलीजिंग हार्मोन तो रिलीज करवाता है ठीक है, रिलीज करवाता होता है ठीक है। यानी पिट्यूटरी का भी मास्टर हुआ, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जो हमारे सर टेम्परेचर आदि को भी रेगुलेट करता है और इमोशंस आदि को भी संभालता होता है ठीक है। बहुत सारी, यानी पिट्यूटरी से सर बहुत सारी ग्लैंड्स निकलेंगी, उनको भी सर मजबूत कर, उनको भी कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, हाइपोथैलेमस, मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला। आगे बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस से सर हार्मोन्स निकलेगा, इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन ठीक है, कि क्या इनहिबिट करवाना क्या रिलीजिंग। अगर मान लो हाइपोथैलेमस से हार्मोन जी एच आर एच हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और ये निकलता ही जा रहा है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता रहेगा, पिट्यूटरी से जब ग्रोथ हार्मोन निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, तो सर शरीर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तब रोग कौन सा होगा, रोग बताओ कौन सा होगा ठीक है, रोग कौन सा होगा ठीक है, रोग कौन सा होगा, यानी शरीर कैसा हो जाएगा, खली जैसा हो जाएगा, खली है ना, द ग्रेट खली जैसा है ठीक है, वैसा हो जाएगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गिग्नेटिज्म। क्या, गिग्नेटिज्म यानी जियांट शब्द होता है ना, बड़ा विशाल काय शरीर, वैसा हो जाता है, विशाल काय सर ठीक है, विशाल काय। अब दूसरा सर एक होता है एक्रोमिगेली, डवार्फिज्म, डवार्फिज्म कब होगा, डवार्फिज्म, डवार्फिज्म कब होगा सर, बोनापन, जब जी एच आई एच निकालेगा हाइपोथैलेमस से, जी एच आई एच मतलब तो इनहिबिट कर देगा, ग्रोथ हार्मोन को निकलने नहीं देगा, ये पिट्यूटरी को कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन निकालना नहीं है, तो एज से पहले निकलना बंद हो गया, तो हमारी हाइट आदि बढ़ना रुक जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हम छोटा हो जाएंगे। एक में सर क्या होता है, एक्रोमिगली डिजीज होते हैं, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारे ठीक है,
ग्रोथ हार्मोन निकलता जाएगा तो हड्डियां जो होती है चौड़ी चौड़ी होने लगती है, लंबाई में ना बढ़कर चौड़ी होने लगती है, जिसको एक्रोमिगैली बोलते हैं। मिगैली, किसी किसी का हाथ बड़ा भारी हो जाता है, चौड़ापन हो जाता है, ठीक है, एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली भी हो जाता है। यानी पिट्यूटरी से होने वाले रोग कौन से, ड्वार्फिज्म, गिग्नेटिज्म और एक्रोमिगैली, ये तीनों रोग किसके हो गए, पिट्यूटरी के हो गए। बात समझ में आ गई, आगे चले सर नेक्स्ट प्रश्न पर। ओके, आगे ये रहा प्रश्न आपके सामने, बहुत ही काम का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, करिएगा इस प्रश्न को। तो मैं एक्स्ट्रा बातें करता हूं हमेशा की तरह, आप लोग काम की बातें करिए, हाँ, ठीक है। ब्रेन सर हमारा होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को हम कितने भागों में बांटते हैं सर, ब्रेन को हम दो भागों में, तीन भागों में बांट लेते हैं, एक आगे वाला दिमाग, एक पीछे वाला, एक मिड ब्रेन, ऐसे बांटते हैं ब्रेन को। ब्रेन को ये हमारा बांटने का तरीका होता है। तो फोर ब्रेन होता है, एक तो फोर ब्रेन, ठीक है, एक मिड ब्रेन होता है, हिंद ब्रेन होता है, हिंद बोले तो पीछे वाला। फोर ब्रेन में क्या कहता है, सेरिब्रम आता था, सेरिब्रम बड़ा हिस्सा ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है, बड़ा बड़ा जो नॉर्मली ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाते होते हैं तो जिसमें जो लाइनिंग वाली चीजें बनाते होते हैं वो इसी का हिस्सा होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आ जाते हैं। मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडुंकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिक्जेमिना आ जाता है। हिंद ब्रेन में सेरिबेलम पोन्स मेडुला ऑब्लोगेंटा ये आता है, सेरिबेलम पोन्स मेडुला ऑब्लोगेंटा। तो यहां पर जो है सर्कैडियन रिदम की बात की, सर्कैडियन रिदम क्या होता है सर, सर्कैडियन रिदम एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सर्कैडियन क्लॉक, जिसके कारण हम उठते जागते हैं टाइम टू टाइम। अगर 10 दिन तक हम एक रेगुलर टाइम पर उठ रहे हैं तो 11वें दिन नॉर्मल सी हमें उसी टाइम पर जाग आ जाएगी, ठीक है, ऐसा शरीर के अंदर रूटीन बन जाता है। या 10 दिन तक हम जो है दोपहर रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, 10-12 दिन तक, तो डेली हमें रात को 12 बजे भूख लगने लग जाएगी आगे आने वाले कुछ टाइम तक, तो वो क्लॉक सेट हो जाती है, रिदम सेट हो जाती है, सर्कैडियन रिदम्स, ठीक है, के अध्ययन को हम क्या बोलते होते हैं, सर्कैडियन टाइम्स है, टाइमिंग सेटिंग, और ये एक तरह से टाइम को बोलते हैं क्रोनोलॉजी, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, क्रोनो बायोलॉजी, ठीक है, क्रोनो बायोलॉजी शब्द बन गया अपना, क्रोनो बायोलॉजी। अब बात कहां की, सर्कैडियन क्लॉक है कहां पर, सर्कैडियन क्लॉक है हमारे हाइपोथैलेमस में, शब्द क्या दिया, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी कौन है, सर्कैडियन क्लॉक है, कहां पर है। आगे बात आई माइक्रोबायोलॉजी, छोटी चीजों का अध्ययन करना, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करना, सेल बायोलॉजी यानी सेल की स्टडी करना, ठीक है, क्रोनोबायोलॉजी किसकी, सर्कैडियन क्लॉक यानी रिदम की स्टडी करना। सर हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे, हार्ट की कार्डियोलॉजी, ठीक है, ओके। बोन्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी, ठीक है, ओके, ऐसे ही। और क्या होता है, लीवर की स्टडी को क्या बोलेंगे, लीवर हिपेटो लोजी, ठीक है। और क्या वर्ड हो सकता है ऐसे ही, और क्या होता है, कार्डियोलॉजी हो गया। ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्रेन, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है सर इसमें, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है, ओके। ऐसी किडनी, किडनी की बात में तो किडनी में क्या होते हैं, रिनेलोलॉजी, ऐसा नहीं है, किडनी में क्या होगा सर, किडनी में नेफ्रो होता है तो नेफ्रोलॉजी, ठीक है, ऐसे ही। और वर्ड क्या होता है अपना, और भी कुछ है क्या, हिमेटोलॉजी, हाँ, ब्लड की बात करें, ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ठीक है, ओके। उत्तक आदि होते हैं या सेल आदि होती हैं उसको हम क्या बोल देंगे, टिश्यू या छोटे स्तर पर हिस्टोलॉजी, छोटे स्तर पर स्टडी, छोटे चीजों की स्टडी, हिस्टोलॉजी, माइक्रो चीजों की लॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। हिमेटोलॉजी ब्लड के लिए होगा, ओके, डन है। लंग्स के लिए क्या होगा, लंग्स के लिए LUNGS, लंग्स के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पल्मोनरी, तो पल्मोनोलॉजी, इम्नोलॉजी, ठीक है, ओके। ये ऐसे शब्द हो जाएंगे, बाकी और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मेरे दिमाग में अभी इतने ही घूम रहे हैं तो इतनी हो गई, है ना। जनन अंगों से संबंधित, स्त्री आदि रोगों से संबंधित गायनोकोलॉजी, ठीक है, गायनोकोलॉजी वर्ड हो जाएगा। तो ये सारे आपके शब्द हैं, इनको याद रखना। एक स्किन के लिए होता है, स्किन को बोलते हैं डर्मिस, डर्मिस, तो डर्मिस से वर्ड बना डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सेल को हम साइट बोलते होते हैं, साइट, तो साइट सबसे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ये शब्द आपने आ जाएंगे, डर्मेटोलॉजी। दांत होते हैं, दांत, ओडेंटो, डेंटल बोलते थे तो ओडेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, ठीक है,
रूट वर्ड ओडेंट से डेंटल वर्ड बनता है, तो डेंटोलॉजी नहीं है ओडेंटोलॉजी। अगर कुछ नाम पता हो ना तो उस नाम के आगे लॉजी लगा दो, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, जैसे हर्ट है हर्टोलॉजी सर, ठीक है, तो अपने आप कुछ ना कुछ वर्ड निकल जाएगा कि हार्ट में कार्डिक वर्ड यूज होता है, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट सुना सुना है, तो कार्डियोलॉजी अपने आप आ जाएगा, ऑप्शन में अपने आप काम कर जाएंगे आपकी सारी चीजें। कुछ नहीं पता है तो उसी में लॉजी लगा दो, ठीक है, अपने आप वर्ड निकल जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में ऑप्शन अपना बन जाएगा अपने आप ही। तो बात वापस आते हैं, सर्कैडियन रिदम के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी बोलेंगे, टाइम का अध्ययन हो रहा है एक तरह से, ठीक है, रिदम्स में। ओके सर, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन अपना, शरीर में विश्राम एवं पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेशन विश्राम एवं पाचन के लिए उत्तरदायी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमने बात की अभी सर, नर्वस सिस्टम कौन सा होता है हमारे शरीर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होती है, ब्रेन ये एक ब्रेन है बीच का, ठीक है, और स्पाइन होती है, स्पाइन ये सेंटर में रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं। यहां से फिर क्या निकल जाती है, नर्व्स निकल जाती है सर, साइडों में नर्व्स निकल जाती है, जो नर्व है वो पूरे शरीर में फैली हुई है, पूरे शरीर में छोटे छोटे भागों में, एक निकली उससे हजारों छोटे छोटे नर्व्स निकल के आगे फैल गए शरीर में, ठीक है, और ये शरीर में घूमी हुई है, पूरे शरीर में है, तो इस कारण से इस पूरे शरीर को फैले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो भाग है कि एक तो ब्रेन से निकल के घूम के पूरे शरीर में घूम गया, उसको बोला हमने क्रैनियल नर्व, एक जो स्पाइन से निकल के घूम गया उसको बोला हमने स्पाइनल नर्व। क्रैनियल से जो निकली वो कितनी थी, 12 पेयर, स्पाइन से जो निकली थी 2 और 1 3, और आगे एक है उसको एक को एडिट लो, 31 पेयर जोड़ी जोड़ी में होंगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछते हैं योगी पप्पा शाह जी कि जी स्पाइनल नर्व हमारे लेफ्ट से निकलेगी या राइट से, तो जब पेयर वर्ड आ रहा है ना, पेयर पेयर का मतलब क्या है, ग्रुप, यानी लेफ्ट राइट दोनों एक ही जगह पर दोनों साइड से निकल रही है, ठीक है, दोनों साइडों से निकल रही है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से निकल रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक साइड से निकले या दूसरी साइड से, दोनों साइड से बराबर निकले, चीजों को समझना। ये नर्व जो होती है, कुछ इनमें से नर्व है केवल सेंसरी, कुछ होती है मोटर, कुछ होती है अंदर ले जाने वाली सिग्नल, कुछ बाहर ले जाने वाली, तो इसलिए इसको सेंसरी और हम मोटर नर्व के रूप में जानते हैं, या मिक्स नर्व होती होती है। अब ये नर्वस सिस्टम जितना भी फैला हुआ शरीर में, इनमें से कुछ भाग ऐसा है जो हमारी इच्छा से काम करेगा, वॉलेंट्री पार्ट होगा, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, कुछ होगा इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, बट उनके लिए प्रॉपर वर्ड हम क्या देते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक, प्रॉपर वर्ड क्या हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक को ऑटोनॉमिक बोलते होते हैं, ठीक है, स्वचालित, अपने आप ही, जो शरीर धूप लगी तो सर शरीर से पसीना आना शुरू हो गया, ठीक है, ताकि आपका बैलेंस कर सके टेम्परेचर को, अगर आपको ठंड लग रही है तो रोंगटे खड़े कर देगा, ठीक है, अपने आप ही, या सिकोड़ देगा आपके शरीर को, ठीक है, जैसे मेंस में टेस्टिकल्स आदि सिकुड़ जाते, तो ऐसी चीजें देखने को मिली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, अपने आप करता है, ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं सर, एक तो है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, एक है पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक से वर्ड से याद रखेंगे, सिंपैथेटिक एस से स्ट्रेस वर्ड, यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, पैरासिंपैथेटिक बोले तो पी ए आर, आर बोले तो रेस्ट, रेस्टफुल कंडीशन में कौन रहता है सर, हमारा पैरासिंपैथेटिक, रेस्टफुल कंडीशन में, और रेस्ट से आराम से बैठ जाइए, खाना खाने के बाद में आराम से बैठिए सर, किसमें प्रसिद्ध किसको दिलाई, खाना खाने के बाद में कौन से आसन में बैठना चाहिए, शीर्षासन भार जी, शीर्षासन नहीं होगा, आपको कितनी बार पढ़ाया जाए ये बात, सेम बुद्धि कब आएगी श्रीकर भार जी, शीर्षासन नहीं होगा, वज्रासन होगा, वज्रासन, ठीक है, श्रीकर भार जी ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, आपकी इंसल्ट करवाऊंगा तो शीर्षासन नहीं होगा, शीर्षासन नहीं होगा, वज्रासन होगा, ठीक है, वज्रासन, जिसमें रेस्ट में बैठना है सर, भागना नहीं है। पैरासिंपैथेटिक में रेस्ट होगा, ओके, रेस्ट होगा, और तभी तो सर पाचन होगा, यानी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी नॉर्मल कंडीशंस में होता है एक्टिवेट, और सिंपैथेटिक जो होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है सर, तो यहां पर रेस्ट एंड डाइजेशन पूछा है, तो कैप होगा, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो एक्टिवेट होने का कोई मतलब नहीं है, वो तो साइड में बैठे रहते होते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होगा क्या नहीं होगा। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कोई बच्चा ये कैसे नहीं पढ़ा, तो आपने एनाटोमी जब पढ़ ली है तो अपने आप ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक बहुत अच्छा इलाज है, माननीय गोगावट सर आपने, है ना, प्रसिद्धि दिलाई है
एक्यूप्रेशर कर लो, है ना, अगर पेट में दर्द है तो एक्यूप्रेशर कर लो, है ना, कहते हैं जी पेट में दर्द है तो ऐसे करो, एक हाथ पर है ना वो कहते हो गेट होता है ना अपना, किवाड़ बोलते हैं डॉक्टर गोगाट सर, किवाड़ के बीच में उंगली दे दो, ठीक है, और किवाड़ कर दो बंद, दरवाजा कर दो बंद, ठीक है, और यकीन मानो पेट और सिर दोनों का दर्द खत्म हो जाएगा, हाथ का दर्द याद रहेगा केवल, ठीक है, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो, ये है पेट दर्द करने की सही दवाई। आगे बात करते हैं, तो ध्यान का जो है निम्नलिखित में से प्रभाव कौन सा नहीं है सर, ध्यान का मेडिटेशन का कौन सा प्रभाव नहीं है, तो ध्यान क्या करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, क्या ध्यान स्ट्रेस को कम करेगा, कम करेगा, स्ट्रेस कम होगा तो डायबिटीज क्या होगी, ज्यादा होगी या कम, डायबिटीज कम होगी, मतलब ध्यान होगा तो डायबिटीज कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान करेंगे तो हार्ट कम धड़केगा, ध्यान करेंगे तो हार्ट स्लो हो जाएगा, और हार्ट स्लो मीन्स बीपी स्लो, बीपी स्लो मतलब बीपी डाउन, बीपी डाउन, ठीक है, हार्ट एक तरह से ब्लड प्रेशर को भी डाउन करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है, यानी ये मेरे उत्तर नहीं होंगे, अब देखो मैं ये आंसर टिक कर रहा हूं, स्ट्रेस को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, और ब्लड रक्त शर्करा डायबिटीज को भी एक तरह से कम कर देता है, ये तो प्रैक्टिकली होना चाहिए। ध्यान से कोर्टिसोल बढ़ता है, क्या कोर्टिसोल वो है जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ने पर निकलता है, जो स्ट्रेस जब बढ़ता है तब कोर्टिसोल निकलता है जिससे हमारा ग्लूकोज ज्यादा निकलता है, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा बनता है, तो ध्यान से ग्लूकोज ज्यादा बनेगा क्या, कभी बनता है, हमने हमेशा कहा है कि सर ध्यान से तो शांति आती है, शांत होने लगते हैं आप, हाइपर नहीं होते, शांत होते हैं, तो कोर्टिसोल बढ़ना ये ध्यान का प्रभाव हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, नहीं के रूप में पूछा ये, बाकी इसका मतलब सारे ध्यान के प्रभाव होने चाहिए। अब देखो ध्यान का पता है, एनाटॉमी पता है, तो आप बिना रिसर्च पढ़े कहीं भी, आप बिना कोई चीजों को पढ़े अपने आप वो चीजों को जोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे आपके आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर 4, जो कोर्टिसोल जो है वो नहीं बढ़ता है ध्यान से, क्योंकि वो बढ़ेगा तो फिर सर डायबिटीज आदि बीपी आदि सब बढ़ जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे एनाटॉमी याद होगी। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी, कक्षा में बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।